हेलो सलाम नमस्ते, कैसे आप सब? मैं होप करता हूँ कि आप बच्चे होंगे, हमेशा की तरह खतरनाक होंगे। मैं इसलिए ऐसा हूँ, चलो मैं क्या, मैं बना के आऊँ और मैंने मुंह पर लगा लिया पाउडर। वही मम्मी मेरे को छेड़ रही थी कि मुझको क्या पाउडर लगा रहा है। तो एक्चुअली क्या है, जो मैं इंट्रो बना रहा हूँ ये मैं बहुत बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी उसके बाद तुरंत हम अभी वाली वीडियो जो आप देखोगे वो शूट करने चले गए। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना आपको, अगर आप एनिमल लवर हो या अगर आपके घर में कैट्स या कैट्स लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कैट्स देखने को मिलने वाली है, जो कि हमारे फाइव भाई के पास। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कराएं, क्योंकि मैं भी एक कैट लेने की सोच रहा हूँ। तो मेरे को कमेंट करके बताना कौन सी कैट मेरे को लेनी चाहिए, कौन सी कैट नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी लोकेशन पे आ गया हूँ, तो मैं बहुत खतरनाक बंदे से मिलवाने वाला हूँ। वो एज में दिखते बहुत छोटे हैं, ये नहीं है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। गजब बेइज्जती है। तो ये है अपने फाइक भाई। तो फाइक भाई, तो फाइक भाई को देख के पता चल गया होगा कि आज मतलब वीडियो किस पे होने वाली है और किस टॉपिक पे होने वाली है। तो फाइक भाई दिखा दे एक बार। दिखा दे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना मतलब इस ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो हम चाहते हैं कि मतलब आपको कॉन्टेंट ज़्यादा दे और बात कम करें, है ना। तो दिखाते हैं। अरे वाह, ये देखो, लाओ लाओ मैं गेट खोलता हूँ। अरे वाह भाई, आकाश भाई, ये है जय और वीरू। जय और वीरू है, क्या बात है यार, कितने प्यारे। ये तो मेरे ख्याल से पर्शियन है मेरे भाई। प्योर पर्शियन, प्योर पर्शियन है। और इसमें कुछ खास, इसके अंदर एक चीज खास दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी आईज देखूंगा। ब्लू आईज तो आपने बहुत देखी होगी। ब्लू आईज तो आपने मेरे को पहले दिखाई थी। ब्लू आईज और आपके घर में भी थी एक पर्शियन। ये उसी के बच्चे हैं, उसी के बच्चे हैं। और ये देखिए व्हाइट आईज, क्या भाई नाम है स्टार्टिंग तो हमारी बहुत बढ़िया हो गई। तो आपको अरे वाह, ऐसा लगता है तकिए में हम आज डाल देते हैं। बहुत सॉफ्ट है, कसम से बहुत सॉफ्ट है। कितने एक बार छू के देख कितना सॉफ्ट है, है ना। बहुत सॉफ्ट, ऐसा लग रहा है जैसे रुई पकड़ रहा है ना। बहुत प्यारे, ये बहुत प्यारे यार। ये भी तो बहुत शांत बैठे हैं। ये अभी टाइम है नहीं इनका, रात को 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक इनका खेलने का। अच्छा, प्यार कर लो भाई को, प्यार कर। अच्छा, वो मेरे सामने प्यार दिखा रहे हैं। चलो इनकी दोस्ती ऐसी कायम रहे। अब अगला क्या दिखाने वाले फाइक भाई? मैं भी आपको एक चीज दिखाता हूँ और सबसे हटके अलग। चलो ठीक है यार, ये पहले तो नहीं थी। अकाली भाई अपने नया फैमिली मेंबर है। अच्छा, नया फैमिली मेंबर है, क्या बात है। ओ ये तो बहुत सॉफ्ट है भाई, बहुत सॉफ्ट है ये भाई। ये कौन सी है, क्या नाम है? ये है एक्सट्रीम पंच फेस पर्शियन कैट, फीमेल है ये। बट कलर अलग, कलर अलग है। इसको कहते हैं ब्लू व्हाइट वैन कलर। ब्लू व्हाइट वैन, ये कलर जो होता है ना, ये ब्लू कलर के अंदर। इसके यार इसके कान मेरे को थोड़े से बड़े लग रहे हैं। नहीं नहीं, इसके कान जो बड़े नहीं है, क्योंकि इसके हेयर बड़े हैं। गर्मियों के अंदर ना इनका हेयर फॉल रहता है। अच्छा, काफी हेयर बड़े थे तो हम इसको क्या करते हैं, इस टाइम फूड चेंज हो जाता है। रॉयल गैन में हम जैसे लेते हैं तो वो हेयर एंड स्किन आ जाता है इस टाइम पे। तो अगर आपको मतलब इनकेस अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, अगर आपके पास कैट है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या खिलाना है क्या नहीं, तो मैं फाइक भाई का इंस्टाग्राम डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पे आप इनसे सब डिटेल्स ले सकते हो और फाइक भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी करते हैं ना सर। फाइक भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, कभी भी आप 24/7 कभी भी आप फाइक भाई से हेल्प मांग सकते हो। और ये देखो, इसकी भी नोज बहुत छोटी है। इसका नाम है, ये कहाँ से लेके आयो, क्या नाम है इसका? जूनी। जूनी, जूनी भाई। इसका फादर जो है मॉस्को से इम्पोर्ट है। अच्छा, ठीक है ना। और मदर है इंडिया की ब्रीड हुई हुई, ये मेरे फ्रेंड करके ब्रीड हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है ये। अच्छा, ये गिफ्टेड है, ये गिफ्टेड है मेरे को। ओके, तो मैं ले जाऊंगा, गिफ्टेड है ये मेरे पास भी। बट यार इनके पास ना बहुत प्यारे प्यारे कैट है, बहुत प्यारे प्यारे कैट्स। अगर आप पहली बार देख रहे हो ना ये वाली वीडियो, तो यार इस वीडियो को ना स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपसे बाय चांस पिछली वाली वीडियो छूट गई है तो एक तरीके से उसका पार्ट टू लगा लो। ये इसमें और अलग अलग तरीके की कैट्स देखने को मिलेगी आपको। बट ये यार इसका कलर मेरे को बहुत सही लगा, ये बहुत शांत है। मेरे घर पे इसको कितने दिन हो गए आए हुए? अराउंड हो गए इसको 2 मंथ्स, दो महीने हो गए।
चलो बढ़िया है यार, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। अभी 10 मंथ्स की है। अच्छा हाँ, दिखने में लग रही है पर है बहुत बढ़िया। तो भाई इसकी इनकी डाइट वगैरह क्या रहती है भाई? इनकी डाइट जो होता है, एक तो मैं होम मेड फूड देता हूँ, चिकन पम्पकिन वगैरह, राइस वगैरह, पोटैटो रहते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। बाकी जो है अपना रॉयल कैनन का फीड चलता है इनका, पर्शियन किटन। अब जैसे इस टाइम हेयर फॉल का टाइम होता है इन लोगों भाई, तो उसके अंदर हम रॉयल कैनन का हेयर एंड स्किन आता है, अच्छा वो देते हैं स्पेशल लाइट के अंदर। या अब जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ बेबीज हुए हुए, अच्छा तो उसकी मदर की फीडिंग इस टाइम चेंज हुई हुई है, अच्छा वो रॉयल कैनन का स्पेशल मदर एंड बेबी खाएगी, अच्छा हाँ, क्योंकि वो मिल्क फीडिंग पे होती है बच्चों को, तो उसको वो सारे प्रोटीन मिलने चाहिए जो मदर एंड बेबी के अंदर है। देख लो कितना कुछ है। और मतलब जैसे कोई कोई वेजिटेरियन है, चिकन वगैरह नहीं खाए, तो और रॉयल कैनन का फूड या ग्रेवी आती है बनी बनाई, बहुत सारी कंपनी की रॉयल कैनन स्टार साइड सेक्टर। तो वेजिटेरियंस भी यार कैट्स मतलब कैट्स खा सकते हैं, कोई ऐसा कुछ My head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, then you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just want... मतलब अपने इंडिया के लोग काफी पसंद करते हैं एक्सोटिक शॉर्ट हेयर ब्रीड, शॉर्ट हेयर, शॉर्ट हेयर, जैसे अभी मैंने आपको उसके हेयर दिखाए थे कैसे लेंथी थे, पर इसके अंदर क्या है, इसका हेयर सिर्फ इतना ही रहेंगे। अच्छा फेस देखो इसका, कलर देखो आप, उसका फेस देखो। अच्छा इसकी पहचान फेस से है, इसके इसकी पहचान फेस से है, इसके बॉडी से है, इसकी टेल से है, कॉम्पैक्ट साइज रहता है इसका, ठीक है ना। अब जैसे कि ये उन लोगों के लिए जैसे घर में ग्रूमिंग का टाइम नहीं मिलता, आप ऑफिस जा रहे हो और आप पेट पालना चाहते हो, मतलब बिल्कुल पेट भी पालना है और मतलब थोड़े आलसी भी, आलसी भी लोग हैं, ग्रूमिंग नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए ग्रूमिंग वगैरह कुछ नहीं। इसकी एक बार नोज देखो, कितनी छोटी सी नोज है, बहुत छोटी सी नोज है। एक हफ्ते पहले अभी पिछले वीक हमने, मैंने आपको बताया भी था कि अपना मैक्स वेट है इसको, बस मैं थोड़ा सा मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाया, तो उन्होंने ड्राइव ड्राइव करी थी, उसके अंदर आकाश भाई हमने 250 कैट्स माइक्रोचिप और वैक्सीनेटेड करी थी। अच्छा आइडेंटिफिकेशन ना, आधार कार्ड, अच्छा आधार कार्ड है ये, तो मतलब ये आप करा सकते हो, करा सकते हो, जैसे मतलब कई बार होते हैं ना वो कबूतर वाले उड़ाते हैं, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, बट ये बहुत शांत है, बहुत शांत बच्चे, मेरे घर पे तो आपको बताइए काज भाई, सारे बच्चे शांत, सारे बच्चे शांत। तो भाई ये है बिल्ली का सैन करना है, कितन सही लग रहा है बिल्ली को सैन करना भाई, ये क्या एज है भाई इसकी? भाई ये है अभी 8 मंथ्स की, बताओ 8 महीने, ये सैन बना है ना, बिल्ली का सैन बना है, ये कौन सी वाली, मदर इससे एक्सोटिक शॉर्ट हेयर, फादर लॉन्ग हेयर, कलर का फर्क है, कलर का फर्क इसका थोड़ा मतलब ऐसा है, थोड़ा कैमोफ्लेज जैसा, कैमोफ्लेज जैसा डार्क कलर है, तो और यही कलर जैसे भी हम बता रहे, ये मेल है फीमेल है, ये भी इसी कलर के अंदर ऑरेंज ब्लैक व्हाइट जिसके अंदर होगा वो फीमेल ही होगी। अच्छा ये पहचान है, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम पंच फेस है, इसकी नोज देखें आप, भाई देख उससे भी छोटी नोज है, बहुत छोटी है, है ना, जो आपने सबसे पहले दिखाई थी उससे भी छोटी है, सबसे पहले दिखाई थी उससे भी छोटी, तो इसकी डाइट वाइज, अच्छा ये भी होम ब्रीड है, तो इनकी होम ब्रीड भी है, और हम दिखाएंगे मतलब कुछ बेबीज भी दिए हुए हैं, और मैं भी ऐसा फर्स्ट टाइम देखूंगा, और शायद आप लोग भी फर्स्ट टाइम देखो इस चैनल पे और अपनी लाइफ में, बहुत प्यारी है यार। तो इसके बच्चे मतलब आपके पास इसमें छोटे और छोटे में छोटे हैं, अभी दिखाएंगे वो दिखाते हैं ना। तो ये हमारे पास आ गए हैं शेर के बच्चे, तो ये भाई ये बताओ इनके बारे में बताओ आप भाई, ये पिछली वीडियो में आपने जैसे उसके फादर से मिले थे, ये अब उनके जब आप आए इतने टाइम बाद, एक तो आपको बुला बुला के हम कर अरे भाई बस इतना बिजी शेड्यूल कर रखा है, एक बार इनकी आईज देखो, ये फादर की तरह जैसे हमने दिखाया ना प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर ग्रीन आईज है ऐसी, ये इसका उसका बेटा है, अच्छा हाँ ये इसकी सिस्टर है, अच्छा इसको मैं बैंगलोर लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक ग्रैंड चैंपियनशिप शो के लिए, अच्छा तो ये शो के लिए रेडी हो गया। अच्छा शो में क्या क्या देखा जाता है भाई? शो में देखा जाता है भाई इनका फेस कट, ठीक है ना, इनकी टेल, कलर मार्किंग, कलर देखना भाई जैसे, मतलब ये पता कैसे चलेगा कि मतलब ये ब्रीड ओरिजिनल है या नहीं है? भाई ब्रीड ओरिजिनल ऐसे पता चलेगा, ये रोजेट्स जो क्लाउड बना हुआ है इसके ऊपर उससे पता चलेगा, इसके फेस कट से पता चलेगा, ये देखो इसके जो ये प्रिंट्स बने हुए हैं इनसे पता चलता है, इनकी टेल से पता चलता है। वैसे अगर इसको ऐसे छुपा दे तो पता नहीं लगेगा कि ये कैट है भाई, पता है
एक चीज और, जैसे जो इसका पोस्टर है ना वो सेम वैसा वैसा रहता है, जैसे इसका क्या है शेर वो टाइगर का, टाइगर का सेम पोस्टर, जैसे बैठी है ना तो हाथ पैर वैसे ही है उसके। तो ये भी बहुत रेयर कलर है यार, ये भी रेयर कलर है, शीटेड मार्बल बंगाल है ये। अच्छा, ये मेरी फेवरेट है। अच्छा हाँ, ये कलर इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम जूनी है। ये भी उसी की उसी का बच्चा है। ये भी मदर अलग है। अच्छा, फादर सेम है। अच्छा, वो मदर इंडिया की ब्रीड हुई भी है। अच्छा, और फादर डायरेक्ट इंपोर्ट है। इसके इसका जो पैटर्न है ना, ये मतलब बहुत प्यारा लग रहा है इसका। ये इसका अभी चेंज होगा थोड़ा, कलर डार्क होता चला जाएगा। अच्छा, अभी गर्मियों का टाइम है, शेडिंग सीजन होता है कैट्स का, तो इस वजह से अभी जैसे ठंड आती जाएगी कलर और डार्क होता चला जाएगा। अच्छा यार, इसकी एज क्या है भाई? इसकी एज है अभी 3 months। अच्छा, मतलब ब्रीड मतलब जैसे अलग अलग ब्रीड है उसी तो फूड पे भी डिपेंड करता है, फूड पे भी डिपेंड करता। अच्छा, है अच्छा, जैसे वो बच्चे रॉयल गैंग खाते हैं, ये बंगाल है, ये ओरिजिन खाते हैं। अच्छा, रॉयल गैंग का बंगाल स्पेशल फूड आता है, जैसे डॉग के अंदर आता है ना हस्की वगैरह के लिए, इनके लिए तो ऐसी ही इसके अंदर फर, उनके फर वगैरह सेम इनके साथ। तो ये है, इसको तो मैं जानता हूँ, आपका काफी दोस्त है। ये मेरा दोस्त है, बट इससे दोस्ती में थोड़ी कमी रखता हूँ क्योंकि इसकी न्यूज सुनता रहता हूँ मैं। बट ये भी बहुत प्यारा है यार। तो ये है बच्चों का बाप, ये देख लो भाई, ये है बाप। और केतन, तेरे को कैसा लगा था जब ये आया था? शेर ही आया उठते हैं, शेर का बच्चा यार। अगर देखो ऐसे देखोगे ना तो मतलब दूर से कोई बता नहीं सकता कि यार ये बिल्ली है। मैं सही बोलूँ तो अभी इसकी क्या एज होगी फाइक भाई? भाई ये वही 4+ 4 ईयर प्लस हो गया, 4 ईयर प्लस हो गया है। ये इम्पोर्ट है। अच्छा, डायरेक्ट और ग्रैंड चैंपियन जैसा मैंने बताया था। क्या बात है भाई, देख लो चैंपियन है। और इसकी बेटी भी चैंपियन बनने वाली, बेटी बेटा? बेटी इसकी बेटी भी अब चैंपियन बनने वाली। बेटे की आइस थी, हाँ देखो जैसी इसकी आइस है, ये देखो नखरे नखरे है भाई इसके। तो ये भाई ये देखो इसकी नोज, इसकी एक बार नोज देखो, सेम जैसे टाइगर है भाई इसके। तो देख के डर लग रहा है, इसकी आंखें देख के ना ऐसे लगता है ये भी खा जाएगा। अरे वाह, शेर वाले दांत है इसके तो भाई। नहीं है ये देखो भाई, ये वाला प्रिंट तो इसका बिल्कुल एकदम टाइगर जैसे। सो फाइक भाई ने मेरे को भी बहुत ही बेहतरीन चीज दिखाई, मतलब मैं तो अपने आप को लकी फील कर रहा हूँ। ये देखो मतलब फाइक भाई ने कितने तरीके से रखा हुआ है, बच्चे अभी दूध पी रहे हैं। ये भी 3 days के किट है भाई। अच्छा, ये 3 दिन के ही है। 3 दिन के है तो इसलिए इनको इसके अंदर रखना पड़ता है हमारे को। अच्छा, अभी मैंने सब हटा रखा, नहीं तो इसके अंदर बल्ब वगैरह पूरा सिस्टम रूम टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है सबसे बात। अच्छा, ये मदर फीड करा रही है इनकी। ये देखो एक पास से दिखाते हैं, कुछ बोलेगी तो नहीं, कुछ नहीं कहेगी। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कौन से वाली ब्रीड है फाइक भाई? भाई ये है एक्सोटिक शॉर्ट हेयर एंड एक्सोटिक लॉन्ग हेयर। मदर जो है एक्सोटिक शॉर्ट हेयर है और फादर जो है एक्सोटिक लॉन्ग हेयर है। अच्छा, और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब केजेस में रखते हैं, मैं पहले भी आया हूँ, इन्होंने सब केज वेज सब मतलब कुछ केज ऐसा है नहीं, बस ये बच्चों के लिए इन्हें रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कई बार इन्हीं का पैर ना पड़ जाए या फिर इसकी माँ मतलब कहीं और इधर उधर और ना रखे। कुछ ना एक चीज रहती है, कैट्स अपने बच्चों को लेकर ना काफी सेंसिटिव रहती है, तो वो बेड के नीचे हो गई। मैं ये लोग सजेस्ट करूंगा जिसके यहाँ भी कैट्स किटन दे तो वो केज जरूर प्रेफर करे। अच्छा, क्योंकि कैट्स क्या होती है अपने बच्चों को ना इंसान से काफी ह्यूमन से डरती है। अच्छा, तो वो अलमीरा वगैरह के नीचे कॉर्नर के अंदर लेके चली जाती है, तो वहाँ बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता। आकाश भाई जैसे आप ही देख रहे हो, ये कूलर चलता है इस टाइम पे, ये सिर्फ कूलर इनके लिए। अच्छा, अगर नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी अगर अपना 48 degrees हो जाएगा और हमारे को रूम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 30 degrees, तो उस वजह से कभी कभार कूलर का यूज करना पड़ता है, एसी लगा हुआ है एसी का यूज करना पड़ता है, तो इस हिसाब से हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी सजेशन लेना है कैट्स के रिगार्डिंग तो आप फाइक भाई को परेशान कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कैट्स के लिए हम ऑलवेज हैं 24/7, जैसे जब मर्जी आप कॉल करो मैसेज करो, ठीक है ना। जैसे मतलब वैक्सीन से रिलेटेड या खुदा ना खास्ता आपकी कैट बीमार हो गई है या कोई भी मतलब डाइट आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी कैट, अगर आपके पास नॉर्मल कैट भी है तो भी आप इनको परेशान कर सकते हो, है ना। जैसे आकाश भाई इसकी मदर इस टाइम फीडिंग करा रही है। अच्छा, ये होता है अपना रॉयल कैनन का मदर एंड बेबी। अच्छा, ये स्पेशल जो है मदर फीड कराएगी, जब तक मदर फीडिंग पे ये वाला फीड चलेगा। अच्छा, तो कुछ भी अगर आपको नॉलेज लेनी है इन बच्चों से रिलेटेड, जो भी इन बच्चों से रिलेटेड या फिर मतलब और अगर आपके पास है किटन है कुछ भी है तो उससे उसके रिगार्डिंग आप इनको परेशान कर सकते हो। और आने वाले टाइम में ये लोग एक शो भी करा रहे हैं दिल्ली में, उसके भी डिटेल्स हम बहुत जल्दी बताएंगे। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वहाँ केतन बैठा हिल रहा है, सब्सक्राइब कर देना कि फाइक भाई ने बहुत सही खाना तैयार करा है, तो वो लपेटते हैं उसके बाद घर जाएंगे। दिखा दे भाई क्या क्या है। हाँ जी,
चलो भाई खाना खाते, भूख लग रही है, खुशबू, एक तो गेट खुलते खुशबू आ रही बड़ी सही और मुंह में पानी आ रहा बोलते हुए भाई जल्दी। यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है फाइव माइक के द्वारा, और ये है मटन नहारी और ये है चिकन बिरयानी। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और थैंक यू फाइक भाई, थैंक यू सो मच। वैसे फाइक भाई को क्यों बोल रहा हूँ, आंटी को थैंक यू सो मच और अंकल को थैंक यू सो मच। मैं जब भी आता हूँ ना मैं बोल के बनवाता हूँ, इतना बेशरम हूँ मैं तो इनवाइट करने से पहले थोड़ा सोच लेना मेरे को, तो अभी लपेट लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो गाइस रात को मैं आके बस सो गया था और अभी मैं आया हूँ अंसल प्लाजा। बेसिकली यहाँ पे मेरे को एक बंदे से डाटा लेना है, मैंने एक वीडियो शूट करी थी जो कि अपने ही चैनल पे आएगी। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक नंबर वीडियो होने वाली है। तो मेरे पीछे रहिए, तो अगर तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। You should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies.